वेल हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में मैं राज आपका वेलकम करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास के इस फर्स्ट डे को। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अब तक आपको इंग्लिश आती क्यों नहीं है। इवन जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन बहुत सारे लोगों ने तो कंप्लीट भी कर ली होगी। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, इसके बावजूद भी उनको इंग्लिश नहीं आ रही है। मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी कहानी है जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख पाने की वजह बता देगी। चलिए शुरू करते हैं, पहले इस वजह को जानते हैं। देखिए, आपने जैसे ही फर्स्ट डे पे स्कूल जाना शुरू करा था या आप फर्स्ट क्लास में गए थे, आपको सिखाया गया था ए बी सी डी, जैसे आपको 26 लेटर्स आपको सिखाए गए थे। आपने इन लेटर्स के साथ पूरा एक साल बिताया, उसके बावजूद आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया। उसके बाद में जब आप सेकंड क्लास में गए तो आपको इनके साथ नए नए वर्ड बना के बताए गए, एप्पल, बॉय, कैट और बहुत सारे ऐसे ही वर्ड आपको बना करके बताए गए। ये वर्ड भी आपने सीख लिए, आपने एक साल और बिताया, दो साल आपने कंप्लीट कर दिए, इसके बावजूद भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया। उसके बाद जब आप अगली क्लास में गए तो आपको देखने को मिला, इट इज कैट, दिस इज बॉय, दैट इज बॉय, आई एम बॉय, यू आर बॉय, और बहुत सारे सेंटेंसेस आपने सीख लिए। ऐसे करके आपने 3 साल बिता दिए, 4 साल बिता दिए, 5 साल बिता दिए। आपके 5 साल बीत चुके हैं, आपने फर्स्ट क्लास से इंग्लिश के साथ पढ़ाई शुरू करी थी या इंग्लिश के साथ बहुत कम भी पढ़ाई करी थी, फिर भी आपको 5 साल हो गए, फिर भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है। गौर करते हैं थोड़ा सा आगे, 6th क्लास में गए, 7th क्लास में गए तो वहां आपको एक और नया टॉपिक सुनने को मिला कि टेंस सीख लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, टेंस सीख लीजिए। टेंस सीखने के बाद में आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा या इंग्लिश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर पाएंगे। आपने वो टेंस भी सीख लिए, किसी ने वो टेंस 6th में तो किसी ने 7th में तो किसी ने 8th में, जाते जाते वो टेंस सीख लिए। आपके 8 साल बीत चुके हैं इंग्लिश के साथ, अभी भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है दोस्तों, अभी भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 9th क्लास में आप आए तो आपको पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिली, वो आपको पढ़ाई गई, वो आपने सीखी भी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया। उसके बाद आपका 11th क्लास, 12th क्लास आपने क्लियर कर लिया, इंग्लिश सब्जेक्ट हर साल था आपके साथ, इवन उसके बावजूद आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया। उसके बाद में अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ने बीए कर लिया होगा, किसी ने बीकॉम कर लिया होगा, तो किसी ने बीएससी, तो किसी ने एमएससी कर लिया होगा। इतने सारे कोर्सेज, डिग्री, इंग्लिश सब्जेक्ट हर साल था, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए। मैं आपको बता दूं, आप ही नहीं, इंडिया के अंदर इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर भी 90% टीचर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, ये सच्चाई है। आप सब जानते हैं, अपने आसपास में इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर से आप मिल चुके हैं या आप उनको जानते हैं, उनसे पूछिएगा। अगर आप भी इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स में ही एक हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100%, मैं कह रहा हूं 10% टीचर्स ऐसे भी हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। गाइज, फिर जब हम 15 साल 20 साल बिताने के बावजूद, मैं कह रहा हूं आपको 15-20 साल बिताने के बावजूद जब आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया, तो हम कैसे कह रहे हैं कि 15 घंटे की क्लासेस के अंदर, आई मीन टू से 15 दिन की क्लासेस के अंदर, क्योंकि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, हमारे वीडियो के ऊपर थंबनेल लगा था, उसमें लिखा पड़ा था कि 15 दिन की क्लासेस के अंदर, और मैं अब भी कह रहा हूं 15 दिन की क्लासेस के अंदर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इवन आज की क्लास के बाद भी आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, कितना इंग्लिश बोलेंगे वो तो क्लास के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि 15-20 सालों के बावजूद जब आप स्कूल में इंग्लिश पढ़ चुके हैं तब भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया, इसके पीछे कारण क्या था उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए 2-3 बातें आपको ध्यान में करनी होगी। देखिए, आप इंटरेस्टेड है इंग्लिश बोलना सीखने में तो मेरी एक रिक्वेस्ट मानिएगा,
इस क्लास में अगर आप मैनेज ना कर पाए तो एक अलग बात है, इस क्लास में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं कहूं, लेकिन अगली क्लास जब आपकी हो तब प्लीज 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 आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि अगर आपके पास एक नोटबुक और पेन होगा तो आप पाएंगे कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे यहां पे इंग्लिश बोलना सीखते समय उसको आप अपनी नोटबुक में लिख पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को और मैं बताता हूं क्या वो तरीका है जिससे कि आप इंग्लिश बोलना सीख पाए। क्लास में जो भी बातें आपको बताई जा रही है उनको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पे कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आप फील करते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सुनकर समझकर आपके प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको जब इंग्लिश की क्लासेस पढ़ा रहा हूँगा तो सबसे स्पेशल बात यह है इसमें, मैं किसी टाइप की कोई ग्रामर, कोई टेंस या किसी भी टाइप का कोई भी ग्रामेटिकल पार्ट इसमें यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसी भी बात को कैसे बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए आपको करना क्या है, जो भी मैं कहूं उसको सुनना है ध्यान से और उसके बाद में उसको सिर्फ बोल देना है, सिर्फ इतना करना है। उसमें ज्यादा ना तो आपको सोचना है ना कुछ ज्यादा उसके अंदर अपनी कोई साइंस मैथ लगानी है, सिंपल तरीका है इंग्लिश बोलने का। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इंग्लिश को बोलना कैसे सीखेंगे, मैं आपको ये तरीका बताता हूं। देखिए मैं कह रहा हूं आपको इन तीन वर्ड्स को आपको समझना होगा, मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। इंग्लिश बोलने के लिए हमें तीन चीजें ही आनी चाहिए सिर्फ, वर्कर, टाइम वर्ड एंड एक्सेंट। अब आप कहेंगे सर ये तीन चीजें क्या है, मैं आपको बता दूं इन तीन चीजों में से ये दो चीजें तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर आप स्कूल गए हैं तो इन दो चीजों को ऑलरेडी आप जानते हैं। चलिए बात करते हैं इन चीजों के साथ कि ये कौन सी तीन चीजें हैं और इनसे हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्कर की, ये वर्कर क्या होता है। देखिए दोस्तों आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोले, चाहे वो हिंदी में बोले, चाहे इंग्लिश में बोले, संस्कृत, पंजाबी, मारवाड़ी, किसी भी लैंग्वेज में बोले, उस सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई वर्कर होगा। अब ये वर्कर कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं, सबको पता है मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अब आप समझ जाइएगा, मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैं आई बोलूंगा हमेशा, अगर मैं आपकी बात करूंगा तो मैं हमेशा यू बोलूंगा, अगर मैं आपकी बात या मेरे सामने कोई भी है तो मैं अगर उसकी बात करता हूं तो मैं यू बोलूंगा, अगर मैं किसी और इंसान की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोदी की बात करूं तो मैं मोदी बोलूंगा, या किसी और इंसान की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सीता की तो मैं सीता बोलूंगा, क्योंकि किसी भी इंसान का नाम इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो नाम कभी चेंज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं मेरे पापा की तो मैं सबसे पहले माई फादर बोलूंगा, क्योंकि मेरे पापा काम करने वाले हैं। वर्कर का मतलब काम करना होता, करने वाला होता है, वर्क का मतलब काम करना और वर्कर का मतलब काम करने वाला। दुनिया के हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम करने वाला आपको जरूर नजर आएगा। अगर मैं मेरे पापा की बात कर रहा हूं तो माई फादर बोलूंगा, अगर मैं मेरे भाई की बात कर रहा हूं तो मैं माई ब्रदर बोलूंगा, अगर मैं मेरी मदर की बात कर रहा हूं तो माई मदर मैं यहां पे बोलूंगा, अगर मैं आपके पापा की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपके पापा इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस मैं हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जब आप अपने पापा की बात करेंगे तो माय फादर, अगर सामने वाले के पापा की बात करेंगे तो जैसे आपने बोला योर फादर, अगर मैं बात करूं आपके दोस्त की तो योर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं आपके टीचर की तो बोलूंगा योर टीचर। सिंपल सी बात है, यहां मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूं इंग्लिश बोलते समय सबसे पहले उसका जिक्र करते हैं, उसकी बात करते हैं सबसे पहले, तो उसको हम बोलते हैं वर्कर। मैंने कहा इंग्लिश बोलने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजें आनी जरूरी है, इन तीन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है वर्कर। कोई भी इंसान जो काम करता है सब वर्कर है, मैं, आई, तुम, यू, मेरे पापा माई फादर, मेरी बहन माई सिस्टर, मोदी को इंग्लिश में मोदी बोलेंगे, धोनी, कोहली, ओबामा, कोई भी इंसान है या कोई भी वर्कर है उसका अगर हम नाम बोल रहे हैं तो डायरेक्ट हम उसका नाम बोलने वाले हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है गाइस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं इस पेन की बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा दिस,
सिंपल सी बात है। तो ये एक पहला पॉइंट हुआ, तीन पॉइंट आपको सीखने हैं जिनमें पहला पॉइंट है ये। इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम सबसे पहले बोलते हैं, बस इतना सा आपको करना है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ये पॉइंट आपको ऑलरेडी आता है, सब जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्शन के साथ, ये एक्शन क्या होती है। मैं टाइम वर्ड को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वर्कर को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक्शन को भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी एक्शन क्या होती है, आप जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आना एक्शन है, जाना एक्शन है, यूट्यूब यूज करना एक्शन है, बोलना एक्शन, लिखना एक्शन, सोचना एक्शन, पढ़ाना एक्शन, पढ़ना एक्शन, उछलना एक्शन, भागना एक्शन, खोलना एक्शन, बंद करना एक्शन, वीडियो बनाना एक्शन, इंग्लिश सीखना एक्शन, इंग्लिश बोलना एक्शन, बहाने बनाना एक्शन, उल्टी करना एक्शन, सोना एक्शन। जो भी आप पूरे दिन में करते हैं वो सारे के सारे एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आप आने को ऑलरेडी इंग्लिश में समझते हैं, आने को इंग्लिश में हम कम बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिएगा, आने को हम इंग्लिश में कम बोलते हैं। बस इतना ध्यान में रखिए, ज्यादा आपको इसको रटने या याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज अपनी क्लासेस जैसे जैसे आएगी आप इन चीजों को सुनते जाएंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपने कोई भी लैंग्वेज सीखी है उसमें आपने याद कुछ भी नहीं करा, बस आपने उसको बार बार बोला है। तो वही तरीका आपको यहां पर भी अपनाना है, उस चीज को बार बार आपको बस बोलना है। अब कैसे बोलना है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, आप वीडियो पे बने रहिए। चलिए अगर मैं जाने की बात करूं तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। अगर मैं बात करूं खेलने की, सबको पता है खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। अगर मैं बात करूं वीडियो बनाने की, तो सबको पता है बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं, मेक। अगर मैं बात करूं उछलने की, सबको पता है उछलने को इंग्लिश में बोलते हैं, जंप। अगर मैं बात करूं खोलने की, दरवाजा खोलना है, मैं खोलने की बात करता हूं, सबको पता है ओपन। आपने सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर तो चलाया होगा, सीडी डीवीडी प्लेयर आपने चलाया होगा, जब आप उसको खोलते हो तो वहां पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है ओपन, और जब आप उसको वापस बंद करते हो तो आपको दिखाई देता है क्लोज। ओपन का मतलब खोलना, क्लोज का मतलब बंद करना। मैं आपको यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, वर्कर, टाइम वर्ड और एक्शन। जिसमें मैंने वर्कर आपको समझाया कि कोई भी इंसान काम करता है, सबसे पहले उसका नाम बोल दीजिए, सिंपल। उसके बाद में वो क्या काम कर रहा है उसको हम एक्शन बोलते हैं, वो बोल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने को इंग्लिश में टीच बोलते हैं। टीच का मतलब पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला। मेरी बात को सुनिएगा, टीच का मतलब पढ़ाना और टीचर पढ़ाने वाला। जैसे स्पीकर बोलता है, आपके मोबाइल का स्पीकर बोलता है लाउड, आप सुनते हो तो वो स्पीकर की वजह से ही सुन पाते हो। तो स्पीक का मतलब होता है बोलना और स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। तो ये अपना हुआ यहाँ पे दूसरा पार्ट। मैंने कहा इंग्लिश बोलने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, वर्कर, टाइम वर्ड और एक्शन। दो चीजें आपको ऑलरेडी आती है। अब कुछ लोग कहेंगे, सर मुझे सारे काम का पता नहीं है। जैसे आपने कहा सर भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने कहा अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, 50% एक्शन आप पहले से इंग्लिश में जानते हैं, आना जाना, प्ले खेलना, जंप कूदना, और बहुत सारे वर्ड 50% आप पहले से जानते हैं। सिर्फ आप उनको यूज नहीं करते हैं, यूज भी एक एक्शन है। सिर्फ आप उनको यूज नहीं करते हैं, यूज करने का तरीका ही हम सीखने वाले हैं। चलिए अब बाकी के जो 50% है उनका क्या। देखिए दोस्तों, बाकी के जो 50% है उनको हम हर रोज जो क्लासेस होगी उसमें डिस्कस करेंगे, आपको अपने आप आ जाएंगे। आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि याद करने से अगर आपको वर्ड्स याद होते तो अब तक आपको बहुत सारे वर्ड याद हो जाते, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास से इंग्लिश सीखना शुरू करा। हर साल आप बहुत सारे, मैंने एक प्रैक्टिकल किया, इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूं, तो मैंने इस चीज को नोटिस करा कि जब हम स्टूडेंट्स को, मान लीजिए आपने भी ये तरीका अपनाया होगा कि आज हम 10 वर्ड याद करेंगे, नए 10 वर्ड इंग्लिश के याद करेंगे, आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, या आपने कभी कोशिश करी भी होगी। तो 10 जब आप वर्ड को याद करते हो, आज याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे, कंफर्म आपको याद हो जाएंगे। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिएगा, अगले दिन जैसे ही आप नए 10 वर्ड याद करेंगे, आप पीछे वाले 10 वर्ड भूल जाएंगे। गाइस ऐसा आपके साथ हुआ है,
होता भी होगा, फिर अगले दिन आप फिर से 10 वर्ड याद करेंगे, पीछे वाले 10 वर्ड गायब हो जाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमने ये 10 वर्ड याद किए और इनको हम भूल गए, ये 10 वर्ड हमने याद किए इनको हम भूल गए, अगले 10 वर्ड याद करेंगे इनको भूल जाएंगे, तो फिर हम याद क्यों कर रहे हैं दोस्तों? इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को याद नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ बोलने से आती है। लैंग्वेज हमेशा बोलने से आती है। आपने हनुमान चालीसा तो सुना ही होगा, छोटे छोटे बच्चे मंदिर में जाते हैं, वो उस हनुमान चालीसा को याद नहीं करते हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन वो मंदिर में जाते हैं, वो वहां पे सिर्फ प्रसाद लेने के लिए जाते हैं, प्रसाद खाने के लिए जाते हैं, उसके टेस्ट के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे उस हनुमान चालीसा को वो बार बार सुनते हैं और एकदम से बेपरवाह होके उसको साथ साथ में रिपीट करते हैं और उनको पूरा हनुमान चालीसा अपने आप आने लग जाता है, अपने आप बोलने लग जाते हैं। गाइस, यही तरीका हम स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में काम में लेने वाले हैं कि आपको सिर्फ चीजों को सुनना है और रिपीट कर देना है, बस इतना सा करना है। अब तरीका क्या रहेगा वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने दो चीजें आपको बता दी, वर्कर और एक्सेल क्या होता है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो यहां पे आपको वर्ड्स को याद नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और बोल देना है। अब कौन कौन से वर्ड आपके काम आएंगे, सारे के सारे वर्ड हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप चाहे तो इन वर्ड्स को साथ साथ में, कोई वर्ड अगर आपको नहीं आ रहा है या आपको पहले से पता नहीं है तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड है और स्पोकन इंग्लिश को सीखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि आप अच्छे से इसको सीखिए, तो जो भी नई चीज आपको देखने को मिले उसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। सिर्फ लिखना है, याद नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी याद करने से नहीं आती है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइम वर्ड के साथ। ये टाइम वर्ड क्या है, इसका क्या रोल है इंग्लिश बोलने के लिए? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा गाइस, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, टाइम वर्ड। क्योंकि वर्कर आपको पता है काम करने वाला, आई हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है, आने के लिए जिसमें बात कर लू कम, लेकिन ये टाइम वर्ड क्या है, इसका क्या रोल है इंग्लिश के अंदर, ये इंग्लिश बोलना सीखने के लिए चाबी का काम करेगी। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलने वाला हूं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये टाइम वर्ड क्या है और इसका रोल क्या है इंग्लिश बोलना सीखने के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, मैं आता हूं, मैं आ सकता हूं, मुझे आना चाहिए, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं, मैं आया करता था, मुझे आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ता है, मुझे आना पड़ा। अब देखिए, मैंने आपके सामने 8-10 सेंटेंस बोले, जो भी मैंने सेंटेंस बोले हर बार मैंने कहा मैं आ सकता हूं, मुझे आना चाहिए, मैं आ रहा हूं, मैं आना चाहता हूं, तो हर बार जो अपना वर्कर था वो मैं था। तो आपको कंप्लीट इनमें से कोई भी सेंटेंस आप बोले, चाहे मैं आता हूं, चाहे मैं आना चाहता हूं, चाहे मुझे आना पड़ता है, आपको इंग्लिश में आई यूज करना है, क्योंकि काम करने वाला, आने का काम कौन कर रहा है, आई, आपको आई बोल देना है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या कहा, आता हूं, आ सकता हूं, आना चाहिए, आ रहा हूं, आना पड़ता है, हर बार क्या काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है, तो कम भी उसमें आएगा। तो ये जितने भी मैंने सेंटेंस बोले, मैं आ सकता हूं, आ रहा हूं, आना चाहता हूं, सब में आई और कम तो कंफर्म आएगा ही आएगा, आई और कम तो कंफर्म आएगा ही आएगा। चाहे मैं आ सकता हूं तो भी उसमें आई और कम तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, मैं आऊंगा तो भी आई और कम तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, मैं आना चाहता हूं तो भी आई और कम तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन अब गौर करने वाली बात है, टाइम वर्ड को समझते हैं, मैं आ सकता हूं, मुझे आना चाहिए, मुझे आना पड़ता है, मैं आना चाहता हूं, मैं आया करता था, मैं आ रहा हूं, जो कंडीशन बार बार चेंज हो रही है वो चेंज होती है टाइम वर्ड की वजह से। हम यहाँ पे बीच में कोई एक टाइम वर्ड यूज करने वाले, एक छोटा सा वर्ड यूज करेंगे, वो जैसे ही हम वर्ड यूज करेंगे अपने आप ही आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूं या मेरे सामने जो कोई भी बोल रहा है वो क्या बोलना चाहता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ लीजिएगा, मैं आ सकता हूं तो भी आई और कम तो आपको बोलना ही पड़ेगा, मैं आता हूं तो भी आई और कम तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि काम करने वाला आई और काम क्या, आने का। अब आने के जगह और भी काम हो सकता है, जाने का काम है, जैसे मैं जाता हूं तो आप आई गो बोल देंगे,
अगर मैं बोलने की बात करूं तो आप यहाँ पे स्पीक बोल देंगे, सिंपल सी बात है। बाकी आप सारी चीजों को जैसे हमारी क्लास शुरू होगी तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें ये तीन चीजें चाहिए और इनको हमें कैसे यूज करना है। गाइस, इस बात को आज ही आप गांठ बांध लीजिए। इन तीन चीजों की हेल्प से मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगा, सिर्फ इन तीन चीजों की मदद से आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा और आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। सिर्फ इन तीन चीजों को ध्यान में रखना है, जिनमें से आपको दो चीजें तो पहले से पता है, वर्कर और एक्शन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज एक नई क्लास पे बात करते हैं, आज हम कुछ नया सीखें, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने तरीका सीखा है कि इंग्लिश हम कैसे सीखेंगे, हमारा इंग्लिश पढ़ाने का, इंग्लिश सीखने का तरीका क्या रहेगा, इसमें कुछ भी मैंने नई बात नहीं बताई है। किसी को कुछ भी याद नहीं करना है, याद करने से इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश सिर्फ बोलने से आएगी और वो आपको बोलना है। यहां पे आप इस जो मेन फॉर्मूला है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख सकते हैं। तीन चीजें चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, काम करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई काम तो होगा ही आपके पास, आने का, जाने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ाने का, सोचने का, कुछ भी काम हो सकता है। और टाइमर क्या करेगा, टाइमर हम ये बताएगा कि कंडीशन क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं वास्तव में। चलिए शुरू करते हैं आज एक क्लास। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्लास पे जिस क्लास को अटेंड करने के बाद आप अपनी और दुनिया में किसी भी इंसान की काबिलियत, क्षमता, कैपेसिटी, योग्यता, क्षमता जो भी आप समझे बता पाएंगे, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान की एक अलग क्षमता है। आप उसे योग्यता कह सकते हैं, काबिलियत कह सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कह सकते हैं, उसकी एबिलिटी कह सकते हैं, जो आप समझे। लेकिन दुनिया में हर इंसान की अलग अलग एबिलिटीज, कैपेसिटीज, क्षमताएं, दक्षताएं, जो भी आप समझे होती है। हम दुनिया में किसी भी इंसान की अगर कैपेसिटी बताना चाहें, क्षमता योग्यता बताना चाहें, हमें आज की क्लास हेल्प करेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास हमें हेल्प करेगी दुनिया में किसी भी इंसान की आप कैपेसिटी बता पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आप क्लास को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, ध्यान से सिर्फ ध्यान से सुनना है। हमारी आज की क्लास है कैन, ध्यान से देखिएगा, आज की हमारी क्लास है कैन। ये क्लास हमें कहां काम आने वाली है, हम कैसे बोलने वाले हैं, फिर से सुन लीजिएगा। आप दुनिया में किसी भी इंसान की, चाहे वो खुद की बताएं या दुनिया में किसी भी इंसान की क्षमता, योग्यता, काबिलियत, कैपेसिटी, एबिलिटी, जो आप समझे बताना चाहते हैं, आप वर्ड काम में लेंगे कैन। क्या वर्ड काम में लेंगे, फिर से बोलिएगा कैन, एक बार खुद बोल के देखिए कैन। अब इस कैन को कैसे यूज करना है, चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूं किस टाइप के सेंटेंसेस आप इसमें बनाएंगे। जैसे आप कहते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये आपकी काबिलियत है। आपने कहा मैं वीडियो बना सकता हूं, ये आपकी काबिलियत है। आपने कहा मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, ये आपकी काबिलियत है। आपने कहा मैं 200 किलो वजन उठा सकता हूं, ये आपकी काबिलियत है। आपने कहा मैं खाना बना सकता हूं, ये आपकी काबिलियत है। और यही काबिलियत, क्षमता आप बताने के लिए इस कैन वर्ड को यूज करेंगे। लेकिन मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूं, क्योंकि यही कारण था कि आप अब तक इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए हैं। आप हिंदी वाक्य में क्या आता है इस चीज को छोड़िए, आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि आप दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी बताना चाहते हैं तो आपको आज की क्लास कैन काम में ले रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्लास का फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, क्लास का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वर्कर, W फॉर वर्कर। वर्कर का मतलब आप जिस इंसान की कैपेसिटी बता रहे हैं, जिस इंसान की योग्यता, काबिलियत बता रहे हैं, उसका नाम सबसे पहले बोलेंगे। अगर मैं मेरी काबिलियत बता रहा हूं तो सबसे पहले मैं आई बोलूंगा। अगर मैं अपने पापा की कैपेसिटी बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं मेरे पापा की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले माई फादर बोलूंगा। अगर यही कैपेसिटी मैं अपने भाई की बता रहा होता तो माई ब्रदर बोलता। अगर मैं मेरी सिस्टर की बात करूं कि मेरी सिस्टर खाना बना सकती है, तो मैं माई सिस्टर बोलूंगा। अगर मैं मोदी की बात करूं तो सबसे पहले मैं मोदी बोलूंगा। मैं जिस इंसान की कैपेसिटी बता रहा हूं उस इंसान का नाम सबसे पहले, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कर। उसके बाद मैंने क्या कहा, कैपेसिटी बतानी है तो आप यहां पे यूज कीजिएगा
कैन। टाइम वर्ड की जगह हमने क्या यूज करा है? कैन, क्योंकि आज हम कैपेसिटीज, एबिलिटीज, योग्यता, क्षमता, काबिलियत के साथ बात कर रहे हैं। और उसके बाद में आपको यूज करना है एक्शन। अब ये एक्शन क्या है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि एक्शन का मतलब है काम, जिस काम करने की, जिस काम को करने की क्षमता इस वर्कर में है वो काम आपको यहां पे लिखना है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप बहुत अच्छे समझ जाओगे और अभी आने वाले एक मिनट के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जांपल्स को। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं, मैंने कहा मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, तो यहां पे आप महसूस कीजिए मैं अपनी कैपेसिटी बता रहा हूं। हिंदी में मैंने क्या बोला, छोड़िए उस चीज को, मैंने क्या कहा, मैं पढ़ा सकता हूं मतलब मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी है, काबिलियत है, योग्यता है। तो कौन पढ़ा सकता है, मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। एक बार रिपीट कीजिए ना, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। अगर मैं अपनी कैपेसिटी बता रहा हूं तो क्या बोलूंगा, कैन। अब मेरा कौन सा काम मैं कर सकता हूं, पढ़ाने का काम, पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। हे दोस्तों एक बार फिर से बोलिए ना, टीच। टीच का मतलब पढ़ाना और टीचर पढ़ाने वाला होता है। मैंने कहा मैं पढ़ा सकता हूं, तो यहां आपका सेंटेंस क्या बन गया, आई कैन टीच। आप भी बोलिए ना, आई कैन टीच। फिर से बोलिए ना, आई कैन टीच, आई कैन टीच, आई कैन टीच, आई कैन टीच। याद नहीं करना, चीजों को समझना है। अगर मैं यही बात ऐसे बोलूं कि मैं खेल सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, तो आई, क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी बता रहा हूं, आई कैन, और खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, आई कैन प्ले। अगर मैं यही सेंटेंस बनाऊं कि मैं आ सकता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई कैन कम। गौर कीजिएगा दोस्तों, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। अगर मैं यही बात ऐसे बोलूं, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं, आपकी बहुत सारी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, आप भी सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी कम से कम 5 काबिलियत आप बताइए कि आप कौन से 5 काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप कार चला सकते हैं, तो बोल के बताइए ना, आई कैन ड्राइव कार। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कार चलाने की बात कर रहे हो और कार चलाने को ड्राइव बोलते हैं। आई कैन ड्राइव कार, क्या बोलेंगे, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार। मान लीजिए आप दरवाजा खोल सकते हैं, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आप दरवाजा खोल सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं दरवाजा खोल सकता हूं, आई कैन। और खोलने को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हम बोलते हैं ओपन, क्योंकि आपने सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर चलाया होगा, जब उसको खोलते हैं तो नाम आता है ओपन, बंद करते हैं तो नाम आता है क्लोज। आपने कहा मैं दरवाजा बंद कर सकता हूं, आई कैन क्लोज। आपका सेंटेंस अपने आप बन रहा है। अब आपको करना क्या है, आज पूरे दिन में आपकी जितनी भी कैपेसिटीज, क्योंकि आपके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं, बहुत सारी काबिलियत है, आप मारवाड़ी तो बोल सकते हैं, आप पंजाबी तो बोल सकते हैं, आप हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको तो आप बोल सकते हैं, तो आप कह दीजिए एक बार, आई कैन स्पीक, क्योंकि स्पीक का मतलब बोलना, स्पीकर बोलने वाला, स्पीकर बोलने वाला, आई कैन स्पीक। अब आप जो भी लैंग्वेज बोल सकते हैं वो कह दीजिए, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक तेलुगु, आई कैन स्पीक कन्नड़, आई कैन स्पीक पंजाबी, आई कैन स्पीक मारवाड़ी, जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, बस आप सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। 5 सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी नोटबुक जो आपने ले रखी है उसमें भी आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बार सारे मिलके बोलिए ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश। एक बार बोलिए ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश। फिर से बोलिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यही बात अगर मैं ऐसे कहता कि मेरे पापा इंग्लिश बोल सकते हैं, मेरे पापा इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं यहां पे आई की बजाय क्या यूज करता, माई फादर कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं यही बात कहता कि मोदी इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या यूज करता, मोदी कैन स्पीक इंग्लिश। अगर यही बात मैं कहता कि मेरा भाई इंग्लिश बोलता है, बोल सकता है, तो माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश। मैं दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी आज बता सकता हूं, आप भी बता सकते हो, आप बता सकते हो, आप बता सकते हो, आपकी कैपेसिटी है भाई साहब, आप बता सकते हो। आपको इंग्लिश में यू, कैन और टेल का मतलब होता है बताना, TELL, टेल का मतलब होता है बताना, TELL, टेल का मतलब होता है बताना। मैं बता सकता हूं, आई कैन टेल, तुम बता सकते हो, यू कैन टेल, मेरे पापा बता सकते हैं,
माई फादर कैन टेल, मेरी सिस्टर बता सकती है, माई सिस्टर कैन टेल। आज आपको अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बताना है कि पापा यू कैन लर्न इंग्लिश, पापा यू कैन स्पीक इंग्लिश। मम्मा को बताइए, मम्मा यू कैन मेक फूड, या आप कुक फूड भी यूज कर सकते हैं, आप प्रिपेयर फूड भी यूज कर सकते हैं। तो आप दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी बताना चाहे तो इस क्लास के बाद आप आराम से बता पाएंगे। दोस्तों आप समझ रहे होंगे क्लास को, आज हम कैपेसिटी के साथ बात कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी आप बताना चाहते हो, आज की क्लास को यूज करके आप बता सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है इंग्लिश बोलना सीखने का, हम वही तीन वर्ड यूज कर रहे हैं जिसकी मैंने अभी अभी बात करी थी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला पॉइंट, जो कि सारी कैपेसिटीज आपके पास नहीं है, सारी योग्यताएं आप नहीं रखते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप 100 किलो वजन उठा सकते हो क्या, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं उठा सकता हूं, I can। अब उठाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप सबने सुना है, चलिए मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, बता देता हूं। बड़े बड़े शहरों में इंसानों को ऊपर उठाने के लिए क्या लगी रहती है, लिफ्ट। क्या लगी रहती है, लिफ्ट। तो लिफ्ट का मतलब हो गया उठाना। अगर आपने टीवी पे ओलंपिक पे देखा है तो वेट लिफ्टिंग एक गेम है, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। वेट का मतलब वजन और लिफ्ट का मतलब उठाना, तो यहां पे लिफ्ट का मतलब हुआ उठाना। अगर आप ये बोलना चाहें कि मैं 100 किलो उठा सकता हूं, कैपेसिटी है मेरी, I can lift 100 kg। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 200 किलो उठा सकते हो क्या, तब आप क्या कहेंगे, मैं नहीं उठा सकता। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो सिंपल सी बात यहां पे समझिएगा, दूसरा स्टेप हम यहां पे ले रहे हैं कैपेसिटी बताने के क्लास के अंदर। तो इसमें आप बोलेंगे कि नहीं कर सकता, तो सबको पता है नहीं के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है जिसको हम बोलते हैं नॉट। और एक बात पे गौर कीजिएगा, नॉट को हमेशा हम तीसरे नंबर पे यूज करेंगे। कौन सा नंबर पे, तीसरे नंबर पे यूज करेंगे, एक दो और ये तीसरा नंबर हुआ, तो यहां पे मैं लगा दूंगा सिर्फ नॉट, और बाकी मुझे कुछ नहीं करना, सेम टू सेम रहना है। कौन नहीं कर सकता काम, उसका नाम, अगर हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो कैन, अगर हम मना कर रहे हैं तो नॉट, और किस काम की कैपेसिटी के लिए मना कर रहे हैं वो यहां पे आप एज ए एक्शन यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। आपने छोटी क्लासेस में एप्लीकेशन लिखी होगी, उसमें आपने लिखा है कि मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है, आई, आप उसके बाद में यूज करेंगे कैन, उसके बाद में आप यूज करेंगे नॉट, और आने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कम। तो आई कैन नॉट कम, आप देखिएगा वर्कर कौन, मैं, तो उसके बाद में आप नहीं आ सकते, कैपेसिटी मना के बता रहे हो तो कैन, और नॉट लगाया और आने की बात कर रहे हो तो कम। अगर ठीक वैसे ही आप कहें मैं भाग नहीं सकता तो आई कैन नॉट, यहां पे आप बोलेंगे रन। आपने कहा मैं बोल नहीं सकता, आई कैन नॉट स्पीक। इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिकली बोलिए दोस्तों, क्योंकि तो जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। मेरा हमेशा से एक इंपॉर्टेंट मंत्र बना लिया है मैंने, आप किसी भी काम को ज्यादा करोगे तो उस काम को ज्यादा सीखोगे, कम करोगे तो कम सीखोगे। अगर आप किसी काम को नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, नहीं सीखोगे। इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारे लिए ये कि ज्यादा बोलेंगे ज्यादा सीखेंगे, कम बोलेंगे कम सीखेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं सीखेंगे। सिंपल सी बात है। इसलिए आपको बोलना है, अपनी कैपेसिटीज अपने घर वालों को बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए, अपने दोस्तों को आप सेंड कीजिए, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एंड गाइस चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें। अगर आपको सवाल पूछना पड़ जाए, अगर आपको सवाल पूछना हो कि तुम कोई काम कर सकते हो क्या, या कोई भी वर्कर किसी काम को कर सकता है क्या, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, आज इस क्लास के अंदर आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं। अगर आपको पूछना है, अगर आपको सवाल पूछना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में हमेशा जो टाइम वर्ड है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं टाइम वर्ड क्या होता है, जो पार्ट हमें बीच में यूज करना है यहां पे, और जो हमें कंडीशन बताएगा सेंटेंस की, उसी को हम टाइम वर्ड बोलते हैं। जैसे आज हमने कैपेसिटी के लिए टाइम वर्ड लिया है कैन, और अब दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी बताएंगे कैन वर्ड को यूज करने वाले हैं। तो चलिए सवाल पूछेंगे, किसी की काबिलियत पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तो आपको क्या करना है,
इस टाइम वर्ड को सबसे पहले बोलना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कैन, उसके बाद में आप इस वर्कर को बोलेंगे और उसके ठीक बाद में आप एक्शन को बोलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आपने एक सेंटेंस बहुत बार बोला होगा, आप कहते हैं यू आर रेडी। जब आप किसी को कहते हैं कि तुम तैयार हो, पूछ नहीं रहे हैं, आप बता रहे हो कि तुम तैयार हो, तो आप बोलते हैं यू आर रेडी। लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं कि तुम तैयार हो क्या, वही बात अगर आप पूछें तो आप कैसे बोलते हैं आर यू रेडी। आप इन दो सेंटेंसेस को देखने के बाद समझ रहे हैं कि जो टाइम वर्ड था मैंने उसको पहले यूज कर लिया, बस सवाल बन गया। ठीक वैसे ही कैपेसिटी भी पूछते समय हम कैपेसिटी के लिए जो वर्ड है कैन, कैपेसिटी के लिए जो वर्ड है कैन, उसको सबसे पहले बोलेंगे, उसके बाद में वर्कर और उसके बाद में हम एक्शन को बोल देंगे। सिंपल सी बात है। चलिए एक सवाल पूछते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछना है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप बोल सकते हो क्या? हिंदी पे मत जाइए, गौर कीजिए, मैं आपसे आपकी कैपेसिटी पूछ रहा हूं कि आप बोल सकते हो क्या। तो यहां मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, कैन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू कैन, यू बोलने के लिए पूछ रहा हूं, तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन बन गया कैन यू स्पीक। अब मेरी बात पे गौर कीजिए, आपका जवाब क्या आएगा? अगर आप बोल सकते हैं तो आप कहेंगे यस आई कैन स्पीक। अगर आप नहीं बोल सकते तो आपका जवाब आएगा आई कैन नॉट स्पीक। सिंपल सी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिकली लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए इस पे, ज्यादा से ज्यादा बोलिए, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, कम बोलेंगे कम सीखेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं सीखेंगे। सो गाइस, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी आप बताना चाहें, चाहे वो कोई भी इंसान है, चाहे वो आप ओबामा की कैपेसिटी बताएं, चाहे आप खुद की कैपेसिटी बताएं, या अपने पापा की कैपेसिटी बताएं, या मोदी की, धोनी की, कोहली की, किसी की भी कैपेसिटी बताएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, कोहली सेंचुरी बना सकता है। आपके पास एक सेंटेंस है, कोहली सेंचुरी बना सकता है, ये कोहली की कैपेसिटी बता रहे हैं आप। सेंटेंस आपने बना दिया, मुझे पता है कोहली, ठीक है, और अगर कैपेसिटी बता रहे हैं तो आप कैन बोलेंगे। बनाने के लिए आपको वर्ड मिलता है मैक, क्या मिलता है मैक। अब सेंचुरी 200 300 100 जो भी वो बना सकता है वो आगे की बात है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें तीन ये जो वर्ड बताए हैं इन पे फोकस करना है। दोस्तों मैंने आज की क्लास में ये कोशिश करी है कि आप दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी को बिल्कुल आराम से बता सके, बोल सके। आशा करता हूं, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये हमारे इस कोर्स की फर्स्ट क्लास है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे कॉन्फिडेंस को दुगना कर देता है। हमारे वीडियोस को जितना ज्यादा शेयर मिलेगा, हम नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। आप जब भी क्लास को देखें, सीरियल वाइज देखें, क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड, तो यकीन मान के चलिए आने वाली 15 क्लासेस के बाद आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इवन आज से ही आप इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं, आप अभी ये बता सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, लिख सकता हूं, आई कैन राइट, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। अगर आप मैं मेरे पापा की बात करूंगा, माई फादर कैन टीच, माई फादर कैन स्पीक, मुझे सिर्फ इन तीन वर्ड को काम में लेना है। यह थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।